पंजाब के इतिहास में बहुत से सूरवीरों और योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है। उनमें से महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। लुधियाना में महाराजा रणजीत सिंह की याद में वॉर म्यूजियम बनाया गया है। इस वॉर म्यूजियम की नींव जनरल ओपी मल्होत्रा, गवर्नर पंजाब ने 11 मई 1991 को रखी थी। इस वॉर म्यूजियम में 17वीं सदी के सभी हथियार रखे गए हैं। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम लुधियाना 1991 दे विच शुरू होया सीगा जी। मकसद इहदा इह सीगा कि पंजाब दे लोकां ने पंजाब दी विरासत नूं सांभण वास्ते जिहड़े भी आजादी तों पहलां चंगे कम करे ने, आजादी तों बाद चंगे कम करे ने देश नूं आजाद कराउण वास्ते, ओह सारिआं दी हिस्टरी इत्थे रखी गई है। गैलरी भी बनाई गई है जहां पर पुराने पंजाब के सैनिकों की तस्वीरें सजाई गई हैं। ये वॉर म्यूजियम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इस वॉर म्यूजियम का विशेष उद्देश्य पंजाब के सूरवीरों की यादों को संभालना, अच्छे कामों को याद रखना और पंजाब के नौजवान जो उस समय गलत रास्ते पर जा रहे थे उन्हें सही रास्ते पर लाना है। जदों 1984 दे विच मिलीटेंसी शुरू हो गई सी, उस टाइम कुछ पंजाब दे नौजवान गुमराह हो के गलत रास्ते पे चल पए सी। उन्हां नूं ठीक रस्ते ते लियाउण वास्ते पंजाब दे लोकां दियां बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां करन वास्ते, जिन्नियां भी देश नूं आजाद करन वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, जिन्ने भी पंजाब दे विच चंगे चंगे काम करे ने आजादी तों पहलां आजादी तों बाद, उहनूं सब नूं सांभ के इत्थे रखिआ तां कि लोक पंजाब दे जिहड़े गलत रस्ते दे नौजवान चल रहे ने उहनां नूं इह दिखा के ठीक रस्ते ते चलण, तां कि लोकां ने पंजाब दे लोकां ने जिहड़े चंगे काम करे ने, कुर्बानियां करियां ने देश नूं आजाद कराउण वास्ते, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
कारगिल युद्ध के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी हथियार यहाँ बहुत देखरेख से रखे गए हैं। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के भी ने, उसके बाद जिन्नी भी जिम्मे 71 की लड़ाई आजादी तो पहला, आजादी तो बाद 48 62 65 71 गोवा के जिन्हें भी ऑपरेशन हुए हैं, कारगिल के जिन्हें भी जो ऑपरेशन होया, वो सब के असली हथियार रखे गए ने जी इतने। हाँ जी, इतने लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी चंगा असं इनू इतने मेनटेन करते हैं, काफ़ी लोग इनकी सलाह करके जाते हैं भी बहुत चंगा मेनटेन कर सारा कुछ, मतलब चंगा कह के जाते हैं। हाँ जी, ये पंजाब सरकार इन्हों मेनटेन करवा रही है सारा काम। डिफेंस सर्विस वेलफेयर लुधियाने के ऑफिसर ने अपने कर्नल अटवाल साहब, ये उन्होंने लुक आफ्टर के सारा काम करा जाता जी इतने। उन्होंने ये भी बताया कि इस म्यूजियम में आजादी से पहले और बाद के सभी हथियार मौजूद हैं। नई पीढ़ी पे मैसेज मिलेगा कि हमसे पहले जो लोग थे देश के लिए उन्होंने जितना कुछ किया है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर रहना चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री जी का है कि भाई सफाई अभियान, इसी तरीके से ये एक देश से जुड़ने वाली चीज़ है कि हम जुड़े, सरकार को इस टाइप के बनाने चाहिए ताकि बच्चों प्रोत्साहित हों, देखें समझें कि पीछे क्या हुआ है और आगे हमें भी क्या करना है। तो मैं इतने म्यूजियम बारे जो तो पता लग गया तो मैं देखने का बड़ा दिल किया, आके पता लग गया जिदा कि साढ़े आर्मी के बच्चे अजकल इंट्रस्टड ने, उन्होंने नई नॉलेज होंगी कई इदा की, सिर्फ सुनी सुनाई गल् होंगे ने, देखने के बावजूद उन्होंने अपना इंट्रस्ट बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। इसलिए जदों इन चीज़ों देखते हैं तो सानू भी जो साढ़े पुराने लोगों ने, साढ़े भरावान ने, इन्होंने काम किए आ आर्मी के अपन शहीद प्राप्त कीतिया, उन्होंने देख के साडा भी जज्बा पैदा होंगे कि असी अपने भरावान बच्चों अगे वधाईए और इसे लाइन के पाइए। जिदा कि देखने सामने आता अपने टैंक खड़े आ, रफलां अंदर पुरानियां, महाराजा रणजीत सिंह दे बारे दियां पुरानियां रफलां देखने दे विच बढ़िया लगता सानूं। हर साल बहुत सारे पर्यटक इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों ने कहा कि उन्हें इस म्यूजियम में आना और अपना इतिहास देखना बहुत अच्छा लगता है। आगे पीढ़ियों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि वो ऐसे ही बड़े बड़े काम करें ताकि देश को उन पर गर्व हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल टीवी।